नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन इस YouTube चैनल में। हम लोग इस YouTube चैनल में लगातार कोशिश कर रहे हैं कि प्रश्नों की एक श्रृंखलाओं को तोड़ता जाऊं और लगातार अपने जो मकसद है, उस मकसद के जो इरादे हैं, जो मकसद है, जो बांध कर हम लोगों ने रखे हैं, उसको पूरा किया जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और संगठन। इससे दो पांच प्रश्न उठ सकते हैं यूपीएससी में। तो पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। ध्यान रहे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड की बात हो रही है, इंटरनेशनल जस्टिस जो है वो नहीं। इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस इज समथिंग डिफरेंट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड इज समथिंग। ओके, लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। आईसीसी, इट इज कॉमनली रेफर्ड टू द वर्ल्ड कोड। क्या इसको वर्ल्ड कोड बोला जाता है? ध्यान से सोच लीजिए, दिमाग में ये भी रहना चाहिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कोई चीज है और एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड भी कोई है। इट डजंट हैव अ कैपेसिटी टू अरेस्ट सस्पेक्ट ऑफ वॉर क्राइम्स। इट इज द कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ जीनोसाइड एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी विच आर द करेक्ट। आई थिंक ओनली एंड ओनली टू सही है कि दो और तीन दोनों सही है, लास्ट रिसोर्ट भी है और इसका कोई मतलब ये अरेस्ट नहीं कर सकता है। सही बात है, क्योंकि आपको पता होगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो कि दाहेग में लोकेटेड है, ये अंतिम न्यायालय है किस मामलों को सुनने के लिए? जनसंहार, वार क्राइम्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ आपने क्राइम किया है, उस सब चीजों के लिए। हालांकि इसके पास कोई अपना कैपेसिटी नहीं है कि किसी भी सस्पेक्ट को गिरफ्तार कर ले, उठा ले और उसको सजा सुना दे, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मेंबर स्टेट्स के कॉपरेशन के लिए बना हुआ है। अगर मेंबर स्टेट चाहता है तो वो इसमें इंटरफेयर करता है, लेकिन बात अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की करें तो वो दुनिया का कोर्ट कहलाता है। दुनिया का वो क्या है? कोर्ट है, जिसे आपको पता होना चाहिए दुनिया का दरोगा कौन है। इट इज द मेन जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूएन। सिक्स एजेंसी में से एक एजेंसी है यूएन का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगला क्वेश्चन है महाकाली ट्रिटी हमेशा चर्चा में रहती है और ये भारत और नेपाल के बीच संधि है, मतलब एक बाउंड्री सीमा रेखा, भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा बनाती है महाकाली। महाकाली ट्रीटी इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ वाटर शेड ऑफ महाकाली रिवर। द ट्रीटी वॉज साइंड इन 1996, 1996 में इसको सिग्नेचर किया गया था। इसको मतलब समझ लीजिए कि महाकाली जो है उसको बाउंड्री के रूप में पहचान माना गया है भारत और इंडिया के बीच। यूएन क्लोज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लोज की बात करते हैं हम लोग। जो सी होता है, टेरिटोरियल बाउंड्री कितना है, एक्सक्लूसिव जोन कितना है, ठीक है, ये सब की सबकी चर्चा इसी मिलती है। इट इज द ओनली इंटरनेशनल कन्वेंशन विच स्टिपुलेट्स ए फ्रेमवर्क फॉर स्टेट ज्यूरिडिक्शन इन मैरिटाइम स्पेस। यूनाइटेड नेशन हैज डायरेक्ट ऑपरेशनल रोल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रेटिफाई यूएन क्लोज। करेक्ट पूछा है तो दूसरा छाटिए ना, जो दूसरा छाटिए, एक और दो सही है कि एक केवल और केवल एक सही है। इंडिया ने रेटिफाई पहले नहीं किया है, इससे पहले और भी कंट्रीज है जो शामिल है। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, यूएन क्लोज जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लोज 1992, 1992 नहीं 1982, ठीक है, जिसको लॉ ऑफ सी बोलते हैं, डिवाइड्स करता है मेराइन एरियाज इनटू फाइव जोन, पांच क्षेत्र में बांटता है मेराइन एरियाज को, समुद्री क्षेत्र को पांच क्षेत्र में, एक तो इंटरनल वाटर, दूसरा टेरिटोरियल सी, तीसरा कंटिजियस जोन, चौथा एक्सक्लूसिव जोन और उसके बाद हाई सी आता है। तो एक क्रमागत ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इंटरनल वाटर, फिर टेरिटोरियल,
सी, फिर जाके कंटिजियस जोन, तब जाके एक्सक्लूसिव जोन और तब जाके हाई सी। यूएन क्लोज इज द ओनली इंटरनेशनल कन्वेंशन विच स्टिपुलेट्स अ फ्रेमवर्क फॉर स्टेट ज्यूरिडिक्शन इन मैरिटाइम स्पेसेस। इट प्रोवाइड्स अ डिफरेंट लीगल स्टेटस टू अ डिफरेंट मैरिटाइम जोन्स। इट प्रोवाइड्स द बैकबोन फॉर ऑफशोर गवर्नेंस बाय कोस्टल स्टेट्स एंड दोज नेविगेटिंग द ओशियन। इट नॉट ओनली जोन्स कोस्टल स्टेट्स ऑब्जर्व्स एरियाज बट ऑल्सो प्रोवाइड स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर स्टेट्स राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द फाइव कोसेंट्रिक जोन्स। इंडिया रेटिफाइड द यूएन क्लोज इन 1995। यूनाइटेड नेशंस हैज नो डायरेक्ट ऑपरेशनल या ऑपरेशनल रोल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन। वाइल द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन रिसीव्स इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन एंड एक्सेशन एंड द यूएन प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर मीटिंग्स ऑफ द स्टेट्स पार्टी टू द कन्वेंशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। IAEA was established as an autonomous organization under the UN statute. It inhibits the complete use of nuclear technology and nuclear energy. It reports the both the United Nations General Assembly and United Nations Security Council. ये तो बहुत सही बात है, लेकिन पूरी तरह से इनहिबिट क्यों करेगा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को और न्यूक्लियर एनर्जी को? बिल्कुल गलत है। चलिए केवल और केवल सी सही है, तीन सही है, क्योंकि ये कोई यूएन का ठीक है स्टेट्यूट नहीं बल्कि IAEA एक वर्ल्ड का शांति की स्थापना के लिए न्यूक्लियर फील्ड में खास करके बहुत 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 योगदान रहा। इट वॉज सेटअप द वर्ल्ड्स एटम्स फॉर पीस, वर्ल्ड्स एटम फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन इन 1957। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड एज ए ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन इन 1957 दो इट्स वन इंटरनेशनल ट्रीटी द IAEA स्टेटूट। इसका अपना ही मतलब अपना ही रूल है, ऐसा नहीं कि ये यूएन के रूल से चलता है, फिर भी ये महासभा और सिक्योरिटी काउंसिल को अपना रिपोर्ट भेज देता है। इसका मुख्यालय वियना में है और ये एक तरह से समझ लीजिए कि दुनिया में खास करके जो न्यूक्लियर पावर से जो मामला होता है, जो टेक्नोलॉजी होती है, जो एनर्जी होती है, उसकी किस तरह से मतलब इंटर स्तर पे इंटरनेशनल लेवल पे कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए, कैसे सहयोग बढ़ाया जाए, कैसे इस बात को समझा जाए कि न्यूक्लियर बम पे खड़ा होकर पृथ्वी नहीं चल सकता है। ठीक है, न्यूक्लियर बम को कहीं ना कहीं हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। देखिए वर्क इसका क्या है। वर्क इट्स मेंबर स्टेट्स एंड मल्टीपल पार्टनर्स वर्ल्ड वाइड। किस चीज़ के लिए? टू प्रमोट द सेफ सिक्योर एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी नाभिकी जो तकनीकी है उसका इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य तो सुरक्षित, सेफ, पीसफुल, दूसरा बात है सिक्स टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड टू इनहिबिट्स इट्स यूज फॉर एनी मिलिट्री पर्पस इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स। G7 के कंट्रीज कौन कौन है? अभी वर्तमान में तो रसिया नहीं है, आपको पता होना चाहिए, और चाइना भी नहीं है G7 का, तो जर्मनी है, जापान है, फ्रांस है, तो वो एक तीन चार सेवन कंट्री है इसमें, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। तो यूएस, यूके, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओपेक प्लस, नॉट ओपेक, इसे ओपेक प्लस का क्वेश्चन है। ओपेक प्लस ग्रुपिंग होता है ओपेक कंट्रीज का और उसके सहायक मेजर ऑयल जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उसका। रशिया को क्या इस ग्रुप से हटा दिया गया है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू यूनिफाई पेट्रोलियम पॉलिसी ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज एंड इंश्योर स्टेबलाइजेशन ऑफ द ऑयल मार्केट्स इन द ऑर्डर टू सिक्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम टू द कंज्यूमर। सिंपल सा स्टेटमेंट है कि मतलब
अगर कहा जाए कि ओपेक का उद्देश्य बताइए, तो इसका सीधा उद्देश्य है कि एक तो ऑयल प्राइस की स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाए, इसके उत्पादन को बरकरार रखा जाए ताकि पूरा विश्व में ऑयल का महामारी, ऑयल का हो हल्ला ना होने लगे। लेकिन रशिया को इसके बाहर नहीं किया गया, अभी रशिया इसमें मौजूद है। ओपेक की स्थापना 1960 के समय हुई थी और इसके जो फाउंडिंग मेंबर इराक, ईरान, कुवैत, वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया था। बाद में इसका एक्सपेंशन होता चला गया और अब 13 स्टेट्स है इसमें। इसके अलावा 11 और इसके सहायक देश भी हैं जो कहीं ना कहीं ऑयल प्रोड्यूसिंग करते हैं, जिसमें रसिया भी शामिल है, इसलिए उसको ओपेक प्लस कहा गया है। अगर हम बात करें काम का इसका, तो एक तरह से कोऑर्डिनेट करना, यूनिफाई करना पेट्रोलियम पॉलिसी ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज। पेट्रोलियम पॉलिसी जो है, पेट्रोलियम रणनीति जो होती है, पेट्रोलियम को किस तरह से यूज किया जाए, कहाँ पर इसका मतलब प्राइस स्टेबलाइजेशन, इंश्योर द स्टेबलाइजेशन ऑफ द ऑयल मार्केट इन ऑर्डर टू सिक्योर द इफिशियंट इकोनॉमिक रेगुलर सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम टू कंज्यूमर, स्टडी इनकम टू द प्रोड्यूसर एंड फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल फॉर दोज हू इन्वेस्टिंग द पेट्रोलियम इंडस्ट्री। कंसल्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट मेकअप फंडिंग फॉर WHO। WHO को फंडिंग करते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। एसेस कंट्रीब्यूशन आर दो ड्यूज कंट्रीज पे इन ऑर्डर टू बी ए मेंबर ऑफ WHO। द मैक्सिमम शेयर ऑफ फंडिंग टू WHO कम्स फ्रॉम एसेस्ड कंट्रीब्यूशंस। एसेस्ड कंट्रीब्यूशन बाय द मेंबर स्टेट्स आर नॉट रिलेटिव टू इट्स वेल्थ एंड पॉपुलेशन। बिल्कुल, इसके पॉपुलेशन से तो है ही भाई, क्योंकि GDP जितना योगदान है उसके पॉपुलेशन में उसका भूमिका होता है। आपका वेल्थ जितना होगा उसी के आधार पर ना आप कंट्रीब्यूट कीजिएगा। तो दो सही है, एक भी सही है कि दो सही है, सिर्फ और सिर्फ एक सही है। इनकरेक्ट नहीं पूछा, करेक्ट पूछा, तीन गलत था। एसेस कंट्रीब्यूशन आर दोज आर द ड्यूज कंट्रीज पे इन ऑर्डर टू बी ए मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको इसका मेंबर बनना है तो आप अपने पहले अपना जो ड्यू है उसको पूरा कीजिए। द अमाउंट ऑफ इच मेंबर स्टेट मस्ट पे इज कैलकुलेटेड रिलेटिव टू द कंट्रीज वेल्थ एंड पॉपुलेशन। और ये अमाउंट जो आप योगदान कर रहे हैं वो वास्तव में रिलेटिव होता है उस देश की जनसंख्या और उस देश का GDP से। एसेस्ड कंट्रीब्यूशन हैव डिक्लाइन एज एन ओवरऑल परसेंटेज ऑफ द प्रोग्राम बजट। लगातार ये गिरता जा रहा है एसेस्ड कंट्रीब्यूशन, पिछले लगातार देखा जा रहा है कि इसमें कमी आती जा रही है। अकाउंटेड फॉर लेस देन 1/4 ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंसिंग। अब वो लगभग 1/4 हो गया घटकर। द बैलेंस इज मोबिलाइज टू द वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन ऑल्सो। इन द रिसेंट ईयर वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन हैव अकाउंटेड मोर देन 3/4 ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंसिंग। तो अब ये 3/4 जो है ना वो स्वैच्छिक दान पे टिका हुआ है, इसलिए तो WHO की जो रोल है उसकी भूमिका जो है लगातार एक तरह से प्रश्न चिन्ह होता है उस पर। फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल FDPR, अ रूल ऑन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कंट्रोल, इट वॉज रिसेंटली न्यूज ब्लॉग वो यूनाइटेड स्टेट को। देखिए हुआई तो आप सुनी होंगे, 6G, 5G, ये जो तकनीक है, दे डिड इट टू हुआई, दे यूज इट ऑन रसिया। नाउ द यूनाइटेड स्टेट्स इज गोइंग आफ्टर चाइनास एडवांस कंप्यूटिंग सुपर कंप्यूटर इंडस्ट्री। अब ये समझ लीजिए ये रूल क्या है। इस रूल के मदद से US को इतना ताकत मिल जाता है कि वो अपना द्वारा बनाया गया टेक्नोलॉजी अगर कहीं भी इस्तेमाल हो रहा है दुनिया के किसी भी कोने में, तो उसको ये अधिकार है कि उस वस्तु का निर्माण उसी बंद कर दे। तो US रेगुलेटर टू एक्सटेंड दैट टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कंट्रोल पावर फार बियॉन्ड अमरीकाज बॉर्डर टू ट्रांजेक्शन बिटवीन द फॉरेन कंट्रीज एंड चाइना। इस प्रोविजन के तहत फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल ये कहता है, FDPFPR जिसका स्थापना 1959 में किया गया था ताकि ये कंट्रोल किया जा सके ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी ऑफ US का। US का टेक्नोलॉजी, US बड़ा बहुत होशियार है, अपना टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता। अगर बाय द वे किसी कारण से चला भी गया तो उसको कभी भी चाहे तो बैन कर सकता है। तो FDPR एक इसेंशियली सेज दैट
इफ ए प्रोडक्ट वॉज मेड, अगर किसी भी वस्तु का निर्माण अमेरिकन टेक्नोलॉजी के मदद से किया गया है, उसमें अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, तो यूएस गवर्नमेंट हैज द पावर टू स्टॉप इट फ्रॉम बीइंग सोल्ड, उसको बेचने से ही मना कर देगा वो, इंक्लूडिंग प्रोडक्ट मेड इन फॉरेन कंट्री, अगर वो वस्तु का निर्माण कहीं भी क्यों ना हो रहा हो। तो रिसेंटली यूएस ऑफिशियल अप्लाइड द रूल टू चाइनास एडवांस कंप्यूटिंग एंड सुपर कंप्यूटिंग इंडस्ट्रीज टू स्टॉप इट फ्रॉम ऑब्टेनिंग एडवांस कंप्यूटिंग चिप, ताकि उसको एडवांस कंप्यूटिंग चिप मिल ही ना पाए, तो FDPR का रूल का कठिन मानदंड अब लगेगा उस पर। देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शन लगता है, प्रतिबंध लगता है, आपको बहुत कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि आपको पता होगा जब 1998 में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में, स्माइलिंग बुद्धा, यू नो अबाउट दैट, उस समय हमारे ऊपर कितना सैंक्शन लग गया था, और उस सैंक्शन के चलते हमारा जो मतलब आर्थिक स्थिति थी एक तरह से कहीं ना कहीं प्रभावित हुई थी, लेकिन भारत तो डटे रहा। फिर फाइनली जाके अमेरिका को अपनी नीति में बदलाव करना पड़ा और अमेरिका और भारत का डील हुआ 2005-06 में, उसके बाद सब कुछ रास्ते पे आ गया। लेकिन बहुत सारा कड़े प्रतिबंध अभी भी जारी हैं, जैसे कि काटसा पढ़िएगा तो काटसा आपको समझ में आ जाएगा, काउंटर एडवाइजरी अमेरिकन पॉलिसी, अगर कोई भी मतलब अगर डिफेंस आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं या क्रूड ऑयल अगर कहीं से इम्पोर्ट कर रहे हैं और रसिया अगर काटसा लगा दे आप पे, तो एक तरह से आंशिक प्रतिबंध तो लग ही जाता है आप पर भी, लेकिन भारत को अभी नहीं है, भारत नहीं बल्कि रसिया पे है, ईरान पे है, कोरिया पे है, इस पे पूरी तरह से काटसा काम करता है, उसको मतलब पूरे विश्व के लिए दरवाज़ा उसका बंद कर दिया जाता है, आपको नहीं तो सहायता नहीं मिलेगा, टेक्निक शेयर नहीं होगा वगैरह वगैरह। सैंक्शंस ऑन कंट्रीज, कलेक्टिव सैंक्शंस कैन बी इम्पोज्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन ए मल्टीलेटरल और रीजनल ट्रीटी। सैंक्शंस आर लिस्टेड अंडर द UN चार्टर। UN चार्टर से क्या मतलब है इसका? एट प्रेजेंट द UN सपोर्टेड सैंक्शंस आर एडमिनिस्टर्ड बाय द सैंक्शंस कमिटी चेयर्ड बाय द परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। चलिए, बिल्कुल सही बात है, आपने पकड़ लिया है, केवल एक सही है। ऑल्दो देयर इज नो यूनिवर्सल लीगल डेफिनेशन, कोई इसका मतलब एक सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है कि प्रतिबंध होता क्या है। ए सैंक्शन कैन बी डिफाइंड एज मेजर ऑफ कोअर्शन ऑफ एन इकोनॉमिक नेचर एज अपोज टू द डिप्लोमेटिक और मिलिट्री मींस टेकन बाय द स्टेट इधर कलेक्टिवली और इंडिविजुअली, या तो ये व्यक्तिगत स्तर पे हो सकता है या पर बहुत से देश मिलकर आप पर प्रतिबंध लगा देंगे। ये बहुत ही मतलब एक तरह से दबाव युक्त होता है, कहीं ना कहीं आपको मतलब मजबूर कर देता है, आप अलग थलग पड़ जाते हैं। कलेक्टिव सैंक्शंस कैन बी इम्पोज बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर मल्टीलेटरल या फिर रीजनल ट्रीटी के माध्यम से आप पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज एट द सेंटर ऑफ द कलेक्टिव सैंक्शंस। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वास्तव में कलेक्टिव सैंक्शंस के लिए आता है और ये फोर्स करता है इसका चैप्टर 7 एक्शन विद रिस्पेक्ट टू द थ्रेट्स टू द पीस। अगर आपने किसी भी प्रकार का ऐसा गतिविधि किया जिससे शांति का उल्लंघन हो रहा हो, वैश्विक शांति उससे उल्लंघन हो रही हो, या फिर आपका जो गतिविधि है वो एक तरह से आक्रामक हो जिससे ह्यूमैनिटी का खतरा हो, तो कहीं ना कहीं कलेक्टिव सैंक्शंस की बात चल जाती है। सैंक्शंस आर नॉट डिफाइंड और नॉट लिस्टेड एज सच बट ऑल मतलब इल्यूजन क्लियर मतलब ये क्लियर नहीं है। सिंस 1966 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज एस्टेब्लिश 30 रिजीम ऑफ द सैंक्शंस। 30 प्रकार के रिजीम्स है जिसको कभी कभी लागू कर दिया जाता है अलग अलग शेप में, अलग अलग मतलब मेजर के आधार पे, अलग अलग मतलब इम्बार्गो आर्म्स के आधार पे, फिनेंशियल टूल्स और ट्रेवल बेंस के नाम पर ऐसा किया जाता है। यूनाइटेड नेशन सपोर्टेड प्रोग्राम्स ऑफ सैंक्शंस आर एडमिनिस्टर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस कमिटी
चेयर्ड बाय द परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवरल इंटरनेशनल बॉडीज इंस्ट्रूमेंट्स इनिशिएटिव्स ऑफ ए पार्टिकुलर रिलेवेंस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, किसकी मदद से किसकी इनिशिएटिव से ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाया जा सकता है। एक तो आईएलओ के माध्यम से, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन ऑन इंडिजिनियस एंड ट्राइबल पीपल के माध्यम से, एक कन्वेंशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन ऑन इंडिजिनियस एंड ट्राइबल पीपल्स, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को और वर्ल्ड बैंक, ये सारे के सारे जो मतलब काम करते हैं ना कहीं ये ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाने के लिए रिलेवेंस है। ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब होता है ऐसा ज्ञान, ऐसा इनोवेशन, ऐसा प्रैक्टिस जो इंडिजीनियस होना चाहिए, जो लोकल कम्युनिटी पूरी दुनिया में फैला रहे हैं, ठीक है, दैट शुड बी इंडिजीनियस एंड लोकल कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड। ट्रेडिशनल नॉलेज इज मेनली ऑफ ए प्रैक्टिकल नेचर, पार्टिकुलरली इन सच ऑफ फील्ड्स एग्रीकल्चर, फिशरीज, हेल्थ, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंटरी मैनेजमेंट इन द जनरल। इन एडिशन टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ए नंबर ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज इंस्ट्रूमेंट इनिशिएटिव आर पार्टिकुलर रिलेवेंस टू द ट्रेडिशनल नॉलेज। दे इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड एजेंडा 21 प्रो प्रिंसिपल 22 ऑफ द इन मेन डॉक्यूमेंट दैट केम आउट ऑफ 1992 अर्थ सबमिट रियो डी जनरियो रिकॉग्नाइज द इंडिजिनियस पीपल हैव ए वाइटल रोल टू प्ले इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ दैट देयर ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 169 ऑन इंडिजिनियस एंड ट्राइबल पीपल्स, दिस कन्वेंशन कॉल्स फॉर एक्शन टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स, डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स, यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनियस इशूज, द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, यूरोपियन यूनियन यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, दिस बैंक्स आर कमिटेड टू इंश्योरिंग दैट द डेवलपमेंट प्रोसेस प्रमोट इंडिजिनियस पीपल पार्टिसिपेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल गवर्नेंस इज नॉट डेमोक्रेटिक। After the Asian financial crisis, the G20 was formed within the aim of discussing policy in order to achieve international financial stability. Members of UN Security Council have the right to deny the democratic will of the UN General Assembly when it does not suit them. बिल्कुल दो तो बिल्कुल गलत है, गवर्नेंस इज नॉट डेमोक्रेटिक ये भी सही है, बिल्कुल सही है, हाँ प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से यही है सब के सब। मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल रिटेन देयर राइट टू डिनाई, जिसको वीटो बोलते हैं, द डेमोक्रेटिक बिल ऑफ द असेंबली व्हेन इट डज नॉट सूट देम। ग्लोबल गवर्नेंस नाम का कोई चीज़ होता नहीं है, ना ही कोई डेमोक्रेटिक है। After the Asian financial crisis, G20 का निर्माण 1999 में किया गया with the aim of discussing policies in order to achieve international financial stability।